नागेश गिरे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ स्टार अपेक्स न्यूज पे। आज 23 दिसंबर 2018 और पिछले कुछ खबरें अगर देखे जाएंगे तो नागपुर में एक बड़े प्रोग्राम की चर्चा पिछले 7 दिन से चालू थी, उसमें संविधान जागरण, तो उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए विधानसभा के दो बहुत ही बहुचर्चित नेता आमदार यहाँ पे है हमारे साथ, जितेंद्र अवहड़ जी राष्ट्रवादी से और सुनील जी केदार कांग्रेस से। तो सर वेलकम टू द स्टार अपेक्स न्यूज। ये अपना मतलब आज प्रोग्राम अटेंड करने का संविधान जागरण, इसको आपको क्या मतलब ये वक्त आपने जैसा बोला वक्त की जरूरत, तो इसकी क्या जरूरत है आज? मैंने जैसे कहा ये वक्त की जरूरत है, एक तरफ संविधान को जो खतरा है, बीजेपी जैसे सांप्रदायिक शक्तियों का जो आक्रमण हो रहा है, जिनकी मानसिकता मनुवादी है, मनुवाद इस देश को बहुत पीछे देख रहे हैं। कुछ हालात है, जैसे एक दलित की बेटी कल रात कल 2 दिन पहले चलाई गई, कोई आक्रोश नहीं है देश में, लेकिन बुलंदशहर में गाय जलाई जाती तो इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है। अगर यही हालात रहे इस देश के तो ये देश में सिर्फ गायें दिखेंगी, आदमी दिखेगा। सर अगर मैं बोला इस तरह से बोला जाए तो मतलब ये मोदी के विरोध में जो विरोधकों का एक जुट, मोदी के विरोध में नहीं, मैं मानसिकता के विरोध में लड़ता हूँ, मोदी उस मानसिकता का घटक है, मोदी कोई बड़ी बात नहीं है। तो विरोधक इसको किस तरह से देखने जाते हैं? ये जो मानसिकता है, मनोवादी मानसिकता है, जो विज्ञान के खिलाफ है, विज्ञानवादी भारत के खिलाफ है, उसकी जो विमान ईंधन से चलता है, वो गधे के रूप से चलता है, ऐसी बातें कहने वालों के खिलाफ की लड़ाई है। सुनील जी केदार जी हमारे साथ है, उनसे भी एक सवाल पूछूंगा। जितेंद्र आवाज जी ने कहा कि वक्त की जरूरत, क्या आप भी इसे वक्त की जरूरत मानते हैं? वक्त की जरूरत उससे ज्यादा है, ये इंसानियत की जरूरत है, वक्त से भी ज्यादा। इस देश में हमको इंसान बन के जीना है, इस देश में हमको इंसान बन के रहना है, तो आज संविधान के तहत ही हो सकता है। ये आज तक के 70 साल में प्रूफ किया हुआ चीज है, वो भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्राम नागपुर में लिया और आरएसएस का गढ़ भी माना जाता है, तो इससे मतलब स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम था या फिर आपके क्षेत्र में लिया, इसके पीछे कुछ राज? नहीं, कोई स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम ही, मैं बोला ना देश की जरूरत है, इस देश में इंसान को इंसानियत की तरफ से रहने का जो अधिकार संविधान ने दिया है वो कहीं लुप्त होते जा रहा है, तो ये वक्त की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, देश की जरूरत है, देश की जरूरत है। जैसा देखा जाए आपके अगर गेस्ट लाइन देखे जाए तो बड़े 5-6 गेस्ट पूरे दिग्गज है, उसमें एक युवा नेता कन्हैया कुमार का नाम है और कन्हैया को सुनने के लिए बहुत सी पब्लिक यहाँ जमी है, लेकिन अभी अगर न्यूज देखी जाए तो कन्हैया के ऊपर ड्राफ्ट चार्जशीट दाखिल करने वाली दिल्ली पुलिस, तो उसका आपको मतलब क्या उसको दबाने की कोशिश है या फिर उसके बीच में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है सरकार के थ्रू? ये जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाया है, ये आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान में जनरल डायर ने भी करने की कोशिश की थी, सच्ची हिंदुस्तानी की आवाज दबाने का काम जनरल डायर ने ब्रिटिश जब तक तब किया था, तब नहीं बन दबा सके, आज ये क्या दबा लेंगे हिंदुस्तान की? कन्हैया कुमार की आवाज है उनकी नहीं है, उन्होंने देश के लोगों की आवाज उठाई, और देश के लोगों की आवाज दबाने की ताकत आज हिंदुस्तान में कोई भी नेताओं में नहीं है, राज्यकर्ता समझता हूँ तो उसकी भूल है। धन्यवाद सर।